अगर सामने वाला आपका दोस्त जबरदस्त तकलीफ में है, आप एक भी हरकत ऐसी मत करना जिससे आपकी खुशियां उसके सामने प्रकट हो, एक भी हरकत ऐसी मत करना जिससे आपका ईगो उसके सामने जाए। समान अनुभूति उसे कहते हैं, अगर आपका लीडर दुखी है तो आपके चेहरे पे गंभीरता चाहिए, अगर आपका लीडर किसी विशेष परेशानी में है तो समान अनुभूति का मतलब है आप उस वक्त ऐसा बिहेव करो जो उसके लिए एप्रोप्रिएट हो, उसके लिए अनुकूल हो। उसके सामने आप अपने बखान कर रहे हो, अपनी सेल्स बता रहे हो, ऐसी ऊर्जा की जरूरत तब होती है जब कोई मायूस हो, कोई निराश हो गया हो धंधे से, लेकिन उसकी तो जीवन में कोई ना कोई उथल दड़ा चल रहा है, उसके तो उथल पुथल हो गई। ऐसे टाइम पे आप अपने गुणगान नहीं करना भैया, समानुभूति। समानुभूति का मतलब है जितना ज्यादा एम्पैथी के साथ काम करोगे उतना लोगों को फील आएगा। मैं लोगों की शादियों में पहुंच पाऊं कि नहीं पहुंच पाऊं, मैं लोगों की बर्थडे पार्टी में पहुंच पाऊं कि नहीं पहुंच पाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अगर कोई व्यक्ति किसी दुख से गुजर रहा है मैं मिलने जरूर जाता हूं भाई साहब, मैं जरूर जाता हूं। और समानुभूति बहुत जगह काम करती है। मेरी फॉर्चुनर डूबी 2015 में, ये तो कई बार सुनाया मैंने आपको, लेकिन जिस आदमी ने मदद की उस आदमी के बारे में तो कभी आपको मैंने बताया नहीं। जब फॉर्चुनर डूबी थी तो जिस जगह पे वो एरिया था वो चंबल के डाकुओं का बीहड़ का इलाका था, इमीडिएट मेरे को एक व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के SP राणा जी, उन्होंने तुरंत मेरे को हेल्प की। 3-4-5 साल पुराने मेरे मित्र थे, दोस्ती धुंधली हो गई थी, लेकिन अब मैं MP में था तो MP के व्यक्ति को फोन करता, उन्होंने इमीडिएट हेल्प भेजी, 2 पुलिस वाले भेज दिए, संभालने वाले लोग भेज दिए, इमीडिएट सुशीला कौर मेरे साले साहब को मैंने रवाना किया, मैं वहीं पे रहा, मेरी मदद की 2015 में, दोस्ती होगी 2010-11 की, 15 में मदद की, तो 5-6 साल तो वो धुंधले हो गए, और 2022 तक तो कितना पुराना समय बीत गया, 11-12 साल, और ज्यादा कोई बातचीत नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं बिजी रहता हूं, नहीं हो पाता, 50 शादियों में नहीं जाता, सैकड़ों बड़े फंक्शनों में नहीं जाता। उनके बेटे की शादी थी, उन्होंने मुझे कार्ड व्हाट्सएप किया था, शादी यहां से 250 किलोमीटर दूर आगरा, और गुजरात की ट्रेनिंग की डेट मेरे पास होल्ड पे थी, दूं या नहीं दूं टाइमिंग ऐसे होल्ड पे थी। रात को मैं गुवाहाटी में था जब मेरे पास कार्ड आया, रात को बज गए होंगे 1:30, 2, नींदों में था, मैंने देखा कार्ड आया। उस दिन मैंने डिसाइड किया इस शादी में मैं जाके आऊंगा। उनको तो ख्यालों में भी नहीं था मैं शादी में आऊंगा, कहीं दूर दूर तक ही नहीं था, और नेचर भी जानते हैं। मैं जब उस शादी में पहुंचा रे, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके परिवार के लोग, वो खुशी करोड़ों रुपए से कहीं ज़्यादा थी, वो करोड़ों रुपए से कहीं ज़्यादा थी। वो क्या चीज़ इंगित करती है? वो ये इंगित करती है कि मेरे में उनके प्रति समानुभूति खत्म नहीं हुई थी, वो समान अनुभूति जिस दिन उन्होंने मुझे हेल्प करके जो स्पार्क और ऊर्जा दी थी उतनी ऊर्जा मैं उस शादी में पहुंच के दिया था। ऐसे बड़ी बड़ी मेरे सारे घर वाले की 250 किलोमीटर आप शादी में। मैंने कहा तुम और जोर से बोल लो और लंबा कितना ही खींच लो, तुम ये समझ नहीं पाओगे। वो बंबई भी होती तो मैं जाता, वो अमेरिका होती तो भी मैं जाता, क्योंकि वो जो ग्रेटफुलनेस है ना मेरी, वो कभी किसी के लिए खत्म नहीं हो सकती भाई साहब। जिसने इतनी सी भी आपके लिए मदद की हो ना, अब आपके हिस्से में जितना हो सके, देखो प्रकृति में सबके एहसान तो अपन उतार नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी भावना जीवन में ही होनी चाहिए कि मैं उसके लिए कुछ तो ग्रेटफुल बन सकूं, उसके लिए कुछ तो एहसान मंद रह सकूं, उसके लिए मैं कुछ तो प्राइस पे कर सकूं, कुछ तो अपने आप को पेन दे सकूं। सर जब आप अपने लोगों के लिए ऐसा सोच, अच्छा वो मेरे धंधे में नहीं, 1 रुपए का फायदा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं उस दिन को नहीं भूल सकता भाई जिस दिन मदद की थी। अब आज उस जगह मेरी जगह और कोई दूसरा हो, उसके पास सैकड़ों कारण है, ना उन्होंने फोन किया, ना उन्होंने कुछ ऐसा कहा, ना कोई प्रेशर डाला, ना कोई जाने की मजबूरी, और सब जानते हैं भाई 250-300 किलोमीटर कौन है। सारी बातें बाद में, मेरा हिसाब मेरी प्रकृति करेगी, उसे ये पता है कि मैंने अपने आप को पेन दिया कि नहीं दिया। आप जब जब लोगों के साथ समानुभूति से धंधा करते हो ना, आपको पता नहीं है समानुभूति क्लोजिंग से बड़ा काम करती है। आपका क्लाइंट किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी, किसी विशेष स्थिति में, उसी फ्लो में चले जाओ, जिस फ्लो में आपका व्यक्ति हो उस फ्लो में शामिल हो जाओ, मां कसम आपके लोग छोड़ के जाना वो जन्मों जन्मों तक साथ जाएंगे, वो जन्मों जन्मों तक आपके साथ जाएंगे। समानुभूति के साथ काम करना, देखभाल करने वाले तरीके